बेगूसराय न्यायालय के जिला विधिक सेवा प्राधिकार KDR भवन में ट्रांसजेंडर को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेष रूप से जिले के किन्नर को कानून की जानकारी के लिए बुलाया गया था। किन्नरों के द्वारा जज को आशीर्वाद देते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार झा ने उपस्थित सभी किन्नरों को कहा कि आप भी इस समाज के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और आपकी भलाई के लिए सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजना चला रही है और कानून ने आपको इज्जत और मर्यादा के साथ रहने का अधिकार दिया है। उच्चतम न्यायालय के नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के द्वारा दिया गया ये टॉपिक्स था, जिस अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर डे के रूप में, जो कि हर बार 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, लेकिन इस बार 31 मार्च को माननीय उच्चतम न्यायालय के नालसा के द्वारा दिया गया निर्देश था कि इस पर एक ट्रांसजेंडर डे के रूप में मनाया जाए और ट्रांसजेंडर जो है उनके अधिकार कर्तव्य और के बारे में जानकारी दी जाए, साथ ही साथ जो है ना विधिक जागरूकता भी की जाए। वो उस परिप्रेक्ष्य में उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 19, 20, 21 और सभी 22 सभी पर जो है ना उनको बताया गया। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि लीगल के बारे में यानी विधिक जागरूकता, उनको विधि की जानकारी मिलनी चाहिए और यह उनका मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 39A में भी कहा गया है कि उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सहायता मिले और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्हें यह बताया गया है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 की धारा 12 के तहत जो उन्हें भी यह एक अधिकार दिया गया है कि किसी भी प्रकार का अगर कोई एक्यूज्ड है, वह बंदी है, तो उन्हें पैरालीगल, उन्हें न केवल पैरालीगल वॉलंटियर्स उपलब्ध कराए जाएंगे बल्कि उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता के तहत पैनल मुफ्त रूप से GLSA के द्वारा पैनल लॉयर भी मुफ्त रूप से प्रदान किए जाएंगे ताकि वो अपने वादों का प्रोटेक्शन कर सके। और भी उन्हें बताया गया कि जैसे कि विक्टिम कंपनसेशन है तो विक्टिम कंपनसेशन के क्षेत्र में उन्हें भी अगर किसी प्रकार से वे पीड़ित हुए हों उन्हें भी प्रतिकर प्रदान किया जाएगा और साथ ही साथ अगर उनके साथ बलात्कार बलात्संग हुआ है तो उसके लिए जो है ना इंटरिम रिलीफ का प्रावधान है। अगर एसिड अटैक हुआ है तो उसके लिए भी इंटरिम रिलीफ का प्रावधान है और फिर अगर कोर्ट से रिकमेंडेशन आ जाता है तो CICB के माध्यम से हम उन्हें उचित मुआवजा 3 लाख से लेकर के 8 लाख तक प्रदान कर सकते हैं और उनके विभिन्न प्रकार के कानूनी अधिकार के बारे में उन्हें बताया गया है। कार्यक्रम के बाद किन्नरों ने न्यायाधीश सतीश कुमार झा समेत अन्य लोगों को आशीर्वाद देते हुए कहा, आप लोग अच्छे सामाजिक कार्य कर रहे हैं। कहना चाह रहे हमको जज साहब बहुत अच्छा से सम्मान किए, बहुत अच्छा से बुलाए और बहुत अच्छा समझाए, जो समझ है समाज का स्तर में समझाए, बबली तुम इस तरह रहना, इस तरह चलना, मतलब बहुत अच्छे से समझाए हैं, जो पारिवारिक लाइन में जैसे रहते हैं वैसे रहना और यही सब समझाए हैं। काम करने हम बोले हैं सर, जो तुम लोग अच्छा व्यवहारिक तरीका से रहो, व्यवहारिक तरीका से चलो और यही सब। समाज से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? समाज से इच्छा रखते हैं, समाज से हम चाहते हैं जो हम समाज का इज्जत करें, समाज मेरी इज्जत करें। किसी से आप जो सुविधा हो हम देंगे, जज साहब बोले आप लोग का जो सुविधा होगा वो हम दे सकते हैं, तो हमें इतना सामान मिला तब इससे बढ़ के क्या मिलेगा, बहुत मिला। किसी प्रकार की परेशानी होगी तो जज साहब बोले हम हेल्प करेंगे। इस मौके पर पैनल अधिवक्ता स्मृति कुमारी, PLB सिद्धार्थ सुमन, शैलेश कुमार, ट्रांसजेंडर बबली, जूली, गोलू, सुमित आदि उपस्थित रहे। बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।